नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सौमित्र मनोटकर और आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। तो हर्निया होता क्या है? जब शरीर का कोई अंदरूनी अंग जैसे आंत या चर्बी शरीर की मांसपेशियों से किसी छेद या फिर कमजोरी के द्वारा बाहर आने लग जाते हैं तो वह एक हर्निया कहलाता है। यह साधारणतया आपको एक गांठ के रूप में प्रस्तुत होगा जिसमें कि कभी कभी एक दर्द या फिर लालिमा भी आ सकती है। हर्निया कई तरह का होता है, जैसे कि इंग्वाइलन हर्निया जो कि जांघ के पास होता है, अम्बिलिकल हर्निया जो कि नाभि के आसपास होता है, नाभि के छेद से होता है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया जो नाभि के ऊपर वाले एरिया में होता है, या फिर हायटल हर्निया जो कि हमारी आहार नली के आसपास की कमजोरी से होता है, या फिर इंसिजनल हर्निया जो कि होता है पुरानी किसी सर्जरी के स्कार साइट पे। हर्निया कई कारणों से हो सकता है। इसका सबसे मुख्य कारण होता है कि उम्र में बढ़ोतरी होते होते जो हमारे शरीर में मांसपेशियों में कमजोरी आती है वह होता है। उसके अलावा दूसरा मुख्य कारण होता है धूम्रपान की लत होना, जिसमें कि हमारे मांसपेशियों में कमजोरी आती है, वह ब्लड सप्लाई में कमी होने के कारण हर्निया की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मोटापा या अचानक वजन में बढ़ोतरी होना, या फिर लंबी खांसी रहना जैसे कि COPD या अस्थमा के मरीजों में देखा जाता है, और हमारे शरीर में चोट लगना, उससे भी मांसपेशियों में कमजोरी आने से हर्निया हो सकता है। साथ ही साथ कभी अचानक बहुत ज़्यादा वजन उठाने पर भी हर्निया की संभावना बनती है। किसी भी हर्निया का मुख्य इलाज सर्जरी ही होता है। सर्जरी हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ओपन सर्जरी या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओपन सर्जरी हम एक बड़े चीरे के द्वारा करते हैं, और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम एक बड़े चीरे की जगह कुछ छोटे छोटे चीरों के द्वारा वही सर्जरी करते हैं। तो हमेशा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हमें ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि उसमें हमारा रिकवरी जल्दी होता है, दर्द कम होता है, रक्तस्राव कम होता है, इन सभी कारणों से आपकी छुट्टी जल्दी होती है। दोनों ही सर्जरीज़ में अक्सर हमारे जो कमज़ोर मांसपेशियाँ हैं उनको ताकत देने के लिए हम एक सिंथेटिक मैश या जाली बिछाते हैं, जिससे कि बाद में हर्निया होने की संभावना कम रहे। सर्जरी अगर हम लैप्रोस्कोपिक से करते हैं तो जल्दी ही आपकी रिकवरी होती है, और इसके साथ ही साथ आपको लगभग एक हफ्ते में आप नॉर्मल अपने सारे डेली काम चालू कर सकते हैं, चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना, ये सब। और इसके लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद आप अपना जो हैवी वर्क है, एक्सरसाइज है, वो चालू कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी तकलीफ होने पर आप तुरंत हमारे पास आएँ और परामर्श लें। स्वास्थ्य आपका, संकल्प हमारा।